हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और आप लोग देख रहे हो सनी का रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाला हूं फाइटर मूवी का एक गाना, जो सॉन्ग है वो निकल के आ चुका है फास्ट गाना। तो अभी हम उसे देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ कैसा है क्या है। सॉन्ग सुन लेता हूँ, फिर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। और इसका जो गाने का जो टाइटल है, शेर खुल गई, तो शेर खुल गई टाइटल है सॉन्ग का, कैसा है क्या है। और इसका जो म्यूजिक डायरेक्टर है, इसका नाम है विशाल शेखर। विशाल शेखर जी का हम लोगों ने बहुत सॉन्ग सुना हूँ, जैसे गाना आया था बैंग बैंग, जो इसमें ऋतिक रोशन था, वो भी सॉन्ग सुना हूँ, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। और एक गाना था घुंघरू टूट गई, वो भी गाना सुना था, लाजवाब था, दोनों गाना ऋतिक रोशन था। तो दोनों गाना एकदम लाजवाब हिट हुआ था, मस्त हिट हुआ था। तो उसी डायरेक्टर का, उसी म्यूजिक डायरेक्टर का यह सॉन्ग भी है। तो अभी देखने वाला हूँ कि इसमें क्या हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, उस टाइप का कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। अभी तक हम देखा नहीं, तो आप लोगों के लिए वेट कर रहा था कि कब देखेंगे देखेंगे। तो अभी फाइनली अब देख रहा हूँ, देखने के बाद आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना कोई बात बोले, ज़्यादा बातें ना बोलते हुए सबसे पहले शुरू करता हूँ। 3 2 1 चलो। गाना का याद आ रहा, ओ तेरी, ये तो थोड़ा बैंग बैंग सॉन्ग की तरह लग रहा है ना, आप एकदम उसी टाइप का लग रहा है म्यूजिक हमें। देखता हूँ आखिर क्या होता है, शुरू थोड़ा और देखता हूँ। ओह, ये जब ताली बजाता है वो वाला सीन मस्त लगता है, वो वाला म्यूजिक। लेकिन हमें थोड़ा बैंग बैंग की तरह लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा हमें। तो थोड़ा वो सॉन्ग की तरह हमें थोड़ा वाइब दे रहा है, उस सॉन्ग का याद आ गया हमें। ओह, ये वाला म्यूजिक मस्त है। मस्त लग रहा है सॉन्ग, अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है सॉन्ग, मस्त है। म्यूज़िक लाजवाब है, म्यूज़िक अच्छा लग रहा है हमें सुनने में। और जो खासकर ऋतिक का जो डांस हो रहा है लाजवाब, वो दिल खोल के एकदम डांस करते, दिल हाथ पैर सब कुछ खोल के डांस करता है। यही चीज हमें अच्छा लगता है, ऋतिक जी का डांस ही मस्त रहता है उनका। और दीपिका भी उस पर एकदम फिट बैठ रही है, मस्त लग रहा है दीपिका वो को पहली बार हमको देखने के लिए मेरे ऋतिक के साथ में। शेर खुल गए, और एक गाना का थोड़ा हमको याद दिला रहे हो, घुंघरू टूट गए, वो वाला भी गाना का वाइब दे रहा है हमको, उसी टाइप का लग रहा है थोड़ा म्यूजिक। और म्यूजिक डायरेक्टर तो सेम ही है ना तीनों गाने का, तो इसी वजह से थोड़ा मिलता जुलता म्यूजिक तो रहेगा, थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। लेकिन थोड़ा अलग होना चाहिए था इसमें म्यूजिक, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप से हम लोग को प्रेजेंट कीजिए ना सॉन्ग को, क्यों पुराने सॉन्ग का म्यूजिक को इसमें थोड़ा मिला देते हो, ये हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है इस सॉन्ग का। शेर खुल गए, जो भी हमें देखे कहता रहे कि शेर खुल गए। ओह, दीपिका मस्त मस्त, और एकदम ऋतिक को यंग लग रहा है, एकदम देखने में मस्त लग रहा है, उसका डांस भी मस्त लग रहा है, पूरा एकदम स्पीड से डांस कर रहा है। नील कपूर कितना यंग लग रहा है भाई, लग रहा है एकदम ऋतिक के साथ फिट बैठ रहा है भाई, इतना यंग लग रहा है नील कपूर को। आप लोग भी देखिए कितना यंग है ना, अभी अभी हम लोग एनिमल में इसे देखा है, और यहाँ फिर फाइटर में भी देखने के लिए मिलेगा हम लोग का नील कपूर।
और एक गाना का हमें ये वाला सुर याद दिलाया कि जो भी हमें देखे बस कहता रहे, ये वाला सॉन्ग जो वो कोई और गाने का याद दिलाया, हमको याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा हमें। सैर खोलने क्या है? जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए, ये वाला ही हमें सॉन्ग थोड़ा, ये वाला जब बोलता है अच्छा लगता है, बाद बाकी उतना खास नहीं लग रहा है सुनने में। आइटम तो भाई लोग क्या बताएं आप लोगों को, और उस सॉन्ग के बारे में आप लोग को भी तो सुना आप लोग, और इससे पहले तो सुना ही होगा सॉन्ग हमारा वीडियो देखने से पहले। तो आप लोग कैसा लगा यह सॉन्ग कमेंट करके बताइए, और आप लोग पहली बार सुन रहे हो तो वो भी आप लोग बताइए कि हमारे साथ देखकर आप लोगों को कैसा लगा, और हमारा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा। और थोड़ा हमें इस सॉन्ग से दो तीन सॉन्ग का याद आ गया, कैसा सॉन्ग बना दिया है भाई। अच्छा ही है जो भी हो, ठीक ठाक ही था। और जो बैंग बैंग है और घुंगड़ू है उससे तो एकदम पूरा मिल रहा था सॉन्ग का म्यूज़िक, और एक ही डायरेक्टर का है तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा अलग हम लोग को प्रेजेंट करना चाहिए था, अलग गाना दिखाना चाहिए था, अलग थोड़ा म्यूज़िक होना चाहिए था। सेम म्यूज़िक को लेकर के बना लेते हो, ये ठीक नहीं लगा हमें थोड़ा। और ये अगर बात करें इस ऋतिक के बारे में, तो ऋतिक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा डांस किया है, लाजवाब लगा है उनका डांस ही। और दीपिका भी उनके साथ एकदम फिट बैठ रही है, मज़ा लग रहा है देखने, बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों को जोड़ी मस्त है। और दीपिका भी अच्छा डांस किया है। अगर बात करें इसके म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक भी अच्छा खासा था, सिर्फ अगर दो दो गाने से अगर कुछ अलग रहते तो और भी अच्छा होता, और भी मज़ा आ जाता हम लोग को, कुछ अलग सा देखने के लिए मिलता। इस गाने में हम लोग कुछ अलग सा देखने के लिए नहीं मिला शायद, तो उतना मज़ा नहीं आया है ऑडियंस को यह सॉन्ग देखकर, हमें तो अच्छा लगा नहीं उतना खास। चल ठीक ठाक था, इतना भी ख़राब भी नहीं बोल सकता हूँ, अच्छा भी नहीं बोल सकता, एक एवरेज सॉन्ग था। तो आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, आप लोग अपना राय बताइए हमें कि आप लोगों को कैसा लगा ये सॉन्ग देखकर। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाक से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए भाई, कर दीजिए भाई। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों भाई? प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर दिया तो आप लोगों को दिल से थैंक यू हमारा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों को दिल से थैंक यू। तो ये आ रहा है और रिपब्लिक डे पे ये मूवी तो देखेंगे जब आएगा, तो भाई देशभक्त मूवी होने वाला है, एकदम देशभक्त रियल एक्शन पर मूवी होने वाला है, मज़ा आ जाएगा मूवी देखकर। तो आप लोग जाइएगा कि नहीं, कितना एक्साइटेड है इस मूवी देखने के लिए, वो भी कमेंट करके बताइएगा हमें अभी के अभी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।